वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार गुरद्वारा श्री बेर साहब जी विखे 21 देशों तो जिहड़े वख-वख थावां तो गुरसिख संगतां पहुंचियां अते इन्हां ने बहुत ही चाओ ते उत्साह दे नाल इत्थे दर्शन कीते ने। तो इन्हां दे सरूप जिहड़े ने बड़े ही सुंदर लगते ने, सारिआं ने दस्तारां सजाईआं, भावें कि कोई पिछला पिछोकड़ इन्हां दा गुरसिखी वाला नहीं है, फिर भी इन्हां ने जे कह लिए गोरे सिख ने सारे। तो ये पछमी देशों दे विचों आए हुए दस्तारा सजाईया हुई, बहुत सुंदर इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, गुरबाणी प्रति इन्हों का अदब ते सत्कार वेख्या ही बनता। सतगुरु पातशाह जी नमस्कार की आ करके इतने भोरा साहब जा करके मूल मंत्र का अभ्यास किया सारी संगत ने रल करके, फिर इन्होंने बेरी साहब के पास बैठ करके वाहगुरु मंत्र गुरमंत्र का उच्चारण किया, फिर दर्शन किए वेई साहब के, वो उत्थे जा करके जपजी साहब दे सारिया ने रल करके इकट्ठ रूप दे विच जपजी साहब का उच्चारण किया। बाद दे विच अरदास बेनती करके गुरु घर के लंगर प्रसाद में छकिया। तो असी बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां सारिया संगतां दा जिहड़े अपने तौर पर ही गुरसिखी का प्रचार कर रहे हैं अते बड़े ही सुंदर सरूप लगते हैं सारे ही, बहुत ही ज़्यादा वेख्या मन जिहड़ा उत्साह आउंदा है कि हे धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जीओ, आप जी की जिहड़ी गुरसिखी है वह किसी हद बंदी दे विच बन्नी हुई नहीं, वह सारे देशों दे विच सारी कम्यूनिटियां दे विच बड़े प्यार दे नाल प्रचार प्रसार हो रहा है। पातशाह जी आप ही रखण वाले ने, आप ही प्रसार करते हैं, प्रचार करवा रहे हैं गुरसिखां दे अंदर वरत करके। सारी मैनेजमेंट वालों गुरद्वारा साहब जी वालों इन्हां गुरसंगतां नूं जीओ आया है, बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद इतने आ करके इन्होंने दर्शन किए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਉ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, फिर भी इन्होंने जे कह लिए गोरे सिख ने सारे। तो ये पछमी देशों दे विचों आए हुए दस्तारा सजाईया हुई, बहुत सुंदर इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, गुरबाणी प्रति इन्हों का अदब ते सत्कार वेख्या ही बनता। सतगुरु पातशाह जी नमस्कार की आ करके इतने भोरा साहब जा करके मूल मंत्र का अभ्यास किया सारी संगत ने रल करके, फिर इन्होंने बेरी साहब के पास बैठ करके वाहगुरु मंत्र गुरमंत्र का उच्चारण किया, अते फिर दर्शन किए वेई साहब दे, वो उत्थे जा करके जपजी साहब दे
इन्हां सारिआं ने रल करके इकट्ठ रूप दे विच जपजी साहब का उच्चारण किया। बाद दे विच अरदास बेनती करके गुरु घर के लंगर प्रसाद में छकिया। तो असी बहुत धन्नवादी हाँ इन्हां सारिआं संगतां दा जिहड़े अपने तौर पर ही गुरसिखी का प्रचार कर रहे हैं अते बड़े ही सुंदर सरूप लगते हैं सारे ही। बहुत ही ज़्यादा वेख्या मन जिहड़ा उत्साह आउंदा है कि हे धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी की जिहड़ी गुरसिखी है वह किसी हद बंदी दे विच बन्नी हुई नहीं, वह सारे देशों दे विच सारी कम्यूनिटियां दे विच बड़े प्यार दे नाल प्रचार प्रसार हो रहा है। पातशाह जी आप ही रखण वाले ने, आप ही प्रसार करते हैं, प्रचार करवा रहे हैं गुरसिखां दे अंदर वरत करके। सारी मैनेजमेंट वालों गुरद्वारा साहब की वालों इन्हां गुरसंगतां नूं जीओ आया है, बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद। इत्थे आ करके इन्हां ने दर्शन किए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।